वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बै। के बिना लाइला हस्तों से आखिया शम्मस तबरेज़े कर दे सूरज गर्मी तेज़े। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? आज एक नए शहर में मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, और नया शहर है और इस्लामाबाद से मैं रात में ही पहुँचा हूँ यहाँ पर। और शहर कौन सा है मेरे अकब में आप देखेंगे, पीछे आपको मज़ार नज़र आ रहा होगा, ये बहुत तारीखी मज़ार है। इस मज़ार को कहते हैं शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार, और इस नाम से ही आप वाकिफ़ होंगे यकीनन, और इस नाम के साथ ही आपको पता चल गया होगा कि इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ। और मुल्तान में मैं मौजूद हूँ, और मुल्तान में आने का एक मकसद था, मकसद ये था कि कुछ फैमिली कमिटमेंट थी जिनको पूरा करने के लिए मैं मुल्तान आया हुआ हूँ। लेकिन चूँकि मुल्तान आया हूँ और मुल्तान की तारीखी हैसियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, जो वाकिफ़ नहीं है तो उसी को मालूम नहीं कि मुल्तान कितना तारीखी शहर है। और इस तारीखी शहर के हवाले से आज मैं आपको अपने इस वीलॉग में बताने जा रहा हूं। और मेरे सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि शाह शम्स तबरेज़ का ये मज़ार है, और शाह शम्स तबरेज़ बहुत ही तारीखी शख्सियत हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये मज़ार, और इस मज़ार के हवाले से और इस बरगजीदा शख्सियत के हवाले से कौन कौन सी ऐसे बातें मनसूब हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। चलते हैं मज़ार की तरफ, और ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जब आप मज़ार की तरफ जाते हैं तो आपको तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक स्टॉल है यहाँ पर, और मुख्तलिफ़ अनवाओ इकसाम के पत्थर पड़े हुए हैं, और पत्थर इनको भी लोग बहुत ज़्यादा अकीदत के साथ देखते हैं। और ऐसे ही ये एक और इमाम बारगाह है यहाँ की, इमाम बारगाह अब्बास अलमदार, यहाँ से बहुत बड़ा एक जुलूस निकलता है मुल्तान का। और इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि इधर भी कुछ स्टॉल मौजूद हैं, बहुत ख़ास किस्म की दुकानें हैं, और अकीदतमंद बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि अहले तशी का यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, सूफी प्लेस है बेसिकली। तो आपको यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि आपको इस चीज़ से मैं बावर करा सकूँ कि मुल्तान में, मुल्तान को सूफिया और औलिया की ज़मीन कहते हैं, और जब हम सूफिया और औलिया की बात करते हैं तो ये जो शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी, ये यहाँ की बहुत बड़ी शख्सियत है। तो आइए मज़ार के अंदर चलते हैं। आप जैसे ही मज़ार के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर अपने जूते जमा कराते हैं, हम भी यहाँ पर अपने जूते जमा कराएंगे।
थोड़ा सा बताएं, चादर ले जाएं? चादर किस लिए? दरबार बाग पे चादर डालने, दरबार पे चादर डालने के लिए। थोड़ा सा दरबार के हवाले से बताएं, दरबार की क्या इतनी मशहूर क्यों है, ये क्या खसूसियत है? सूरज उतारा था नीचे, सूरज उतारा। पूरी कहानी बताएं हमें थोड़ी सी, आगाह करें। पूरी कहानी याद नहीं है। अच्छा, पूरी कहानी याद नहीं है। चादर आप अच्छा, कोई हमें बताने वाला नहीं है यहाँ पर? अच्छा चले, थैंक यू, लेंगे आपकी वीडियो, फिक्र नहीं करें जी। इतनी बड़ी कहानी है और अफसोस की बात है, यहाँ के जो मुजावर हैं या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, शायद ही उनको किसी को मालूम हो। जन्नत बना बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना। थोड़ा सा हमें इस दरबार के बारे में बताइएगा जी। हुजूर, ये मेरे मुर्शिद हजरत सखी शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह लजपाल है, ये वो सैयद हैं जिन्होंने सूरज उतार कर बोटी पकाई है। ये मेरे मुर्शिद बड़े लजपाल हैं, ये आले नबी औलाद अली बादशाह से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, और ये सरकार तबरेज़ इलाक़े से आए हैं। ये जी, ये बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ हस्ती हैं, और इनके दर से मुझे 20 साल हो गए हैं, और मैंने जो इनके दर से लोगों को मुरादें पाते हुए देखा है, और जो ये दिल खुश हुआ है, ये समा भी नहीं सकता ये दिल इसके अंदर, जो मेरे मुर्शिद की दुआओं और इनके दर से आने से जो मुरादें पूरी होती हैं। बे औलाद और बीमार आने जो इस मर्ज के लिए भी आते हैं, मेरे मुर्शिद के दर से फैज़ याब होके जाते हैं। जो आप वाक्या बता रहे हैं कि वो सूरज उतरा, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। इस तरह है कि सरकार, ये मेरे मुर्शिद ने एक गोश्त का टुकड़ा लिया हुआ था, किसी कसाब ने दे दिया, तो सरकार ने एक एक घर जा के कहा है कि मुझे ये बोटी का टुकड़ा पकाने दे दीजिए। तो किसी ने सरकार की हुलिया लिबास और चेहरा देखकर उससे नफरत करने लग गए कि ये शम्स तबरेज से इतनी एक नफरत हो गई कि हम इसे बोटी पकाने नहीं देते। जब सरकार को जोश और जलाल आया तो सामने शम्स को कहता है, शम्स जली, मैं शम्स अली हूँ, मान मेरी एक छोटी सी अर्ज, जल्दी आ मुझे ये बोटी पकाने दे और पका के फिर वापस चला जा। जब सरकार ने बोटी पकाई है, सूरज नीचे आया है, तो धरती अभी तक करोड़ों दरूद और सलाम भेजती है मेरे मुर्शिद के नाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। शुक्रिया। थोड़ा सा ये चिरागों के बारे में भी बताइए कि चिरागों के बारे में इस तरह है कि लोगों की मन्नतें होती हैं और कुछ ऐसे दुख तकलीफ लेकर आते हैं कि हमारे घर का ये चिराग रोशन हो, हमारी ये निस्बत इनकी दर की निस्बत से जैसे हम इधर रोशन करके जा रहे हैं, हमारी अगर रूहानी जिस्मानी तकलीफ हो तो इन्हीं के दर से ख़त्म हो जाए। हमारा यही चिराग है, हमारी यही ज़िंदगी है और हमारी यही खुशी है। तो दोस्तों, मैं इस मज़ार के अहाते में दाखिल हो रहा हूँ, बहुत ही ख़ास किस्म की फीलिंग है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, लोग यहाँ पर अपनी इबादत भी कर रहे हैं अपने, और ये कब्र है, ये मज़ार है, और इस मज़ार में लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अपनी दुआएं, मन्नतें और सब कुछ यहाँ पर आकर इनसे मांगते हैं, और अकीदत और एहतराम का एक ख़ास जज्बा है, और इसके साथ साथ एक ख़ास यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे फीलिंग है, यहाँ पर लोग आप जब यहाँ पर एंटर होते हैं इस अहाते के अंदर, तो आपको फ़ील होता है कि यहाँ पर कुछ ख़ास ऐसा है जो ख़ासा है इस सूफीज़म का। तो दो कब्रें हैं यहाँ पर, दो शख्सियात मदफून हैं यहाँ पर। आई विश के कोई हमें बता सके कि थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये दो मज़ार किस किस के हैं? हज़रत शाह शम्स तबरेज़। कौन सा शाह शम्स तबरेज़ का? और दूसरा बाबा शाह आलम सरकार शाह शम्स के पोते, दादा पोते। ठीक है, ये वाले तबरेज़ साहब हैं? वो वाले।
वो तबरेज़ हैं। तो ये जो पीछे आप अकब में कब्र देख रहे हैं, ये शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी की और ये उनके पोते उनकी शाह आलम सरकार की कब्र है। ये शाह हजरत शाह तबरेज सब्ज़वारी, ये उनका मज़ार है और ये उनके पोते बाबा शाह आलम सरकार। हक्का के बिना ला इलाहा हस्तों से कसम ली दी आज ना रुकियो ओ फलक ते आबिना जाने ना रुक जाए आखिया शम्मस तबरेज़ कर दे सूरज गर्मी तेज़े। ये रोज़ा बना हुआ है पंच दिन पाक का नाम के चिराग लोग जलाते हैं। हाँ। चिराग वगैरह ये कोई अक्सर मानते हैं कि इमाम रज़ा का रोज़ा, ये रोज़ा मुबारक पांच चिराग पंच दिन पाक के नाम पे यहाँ दरगाह पे आके आलम पाक में जलाते हैं, मन्नत अपनी मुरादें पूरी कराते हैं। सही, तो ये अकीदत है लोगों की। हाँ, अकीदत है लोगों की। ठीक दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पर आपको बहुत सारे आलम मिलेंगे और मैंने इनसे दरख्वास्त की है यहाँ पर भाई से कि थोड़ा सा हमें इन अलम्स के हवाले से बताएं। और मुल्तान में बहुत सारे ताज़िया बड़े मशहूर हैं, जैसे उस्ताद शागिर्द का ताज़िया हो गया और इस तरह की चीज़ें कुछ। ये देखिए, ये ज़ियारतों की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पता नहीं, ये देखें, ये तो इस तरह के जो ज़ियारतें हैं ये बहुत मुल्तान के हवाले से बहुत इनकी बहुत जानी पहचानी जाती है। और इस हवाले से मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ, वो हमें बताएँगे कि ये इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है और क्यों मुल्तान के ताज़िए और अलम बहुत मशहूर है पाकिस्तान में। जी सर, तो आप क्या बताएंगे? ये हमारे पास माशाल्लाह फानूसों वाले अलम पाक हैं, हर किस्म के ज़ियारात हैं, लकड़ी वाली ज़ियारात है। ये बड़े अलम पाक पंजे मौला गाजी अब्बास के नाम से हैं। तो मुल्तान का यहाँ से जुलूस, सबसे बड़ा जुलूस यहाँ से निकलता है, आप ये कहते हैं? मुल्तान के जितने भी जुलूस हैं वो सब इधर ही मकसद इकट्ठे होते हैं। जितने भी ताज़ियात हैं मुहर्रम के, पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यहाँ पे इतना रश होता है पांव रखते हैं। सबसे मशहूर ताज़िया कौन सा है यहाँ का? उस्ताद वालों का, उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया। क्या खसूसियत है उस ताज़िये की? वो सुनने में आया कि बहुत पुराना है, जब भी पूछती उनके चल रहा है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये ताज़ियों की तस्वीरें हैं, ताज़िया हमारे उधर गोदाम में पड़े हैं। ये चनेटी और कश्मीरी काम किया हुआ है, ऊपर लकड़ी के ऊपर छिड़ाई की हुई है। इसके अलावा ये मेहंदी भी है, झूला भी है, ताबूत भी है इसके अंदर। जी, तो दोस्तों आपने देखा एक मुख्तलिफ ताज़िये और मुख्तलिफ अलम पड़े हुए हैं, और लेकिन भाई हमें कुछ ख़ास बता नहीं रहे। आज लाइट भी नहीं है मुल्तान में, आपको पता है पाकिस्तान में ब्रेक डाउन बिजली का चल रहा है और मैं मुसलसल अंधेरे की तरफ ही जाया जा रहा हूँ। बड़ी ख़ास जगह पर ही ले आए हैं मुझे, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोर किए हुए हैं ताज़ियात। मोबाइल की लाइट जलेगी नहीं? ये हमारे पास ये बेड़े वाला आलम पाक तैयार पड़ा है, वो सामने ताबूत पड़े हैं। ये देखिए, ताबूत पड़े हुए हैं, शहज़ादा अली असगर के नाम से है। शहज़ादा अली असगर के नाम का ताबूत है, उनके नाम से है, ये मंसूब किया हुआ है। बीबी सकीना बिन्त हुसैन के नाम से है, वो सामने ऊपर है। ये वाला स्टील में हो, स्टील में बीबी सकीना के नाम से। तो काफी काम है यहाँ पर मुल्तान में। खुद तैयार करते हैं अलम पाक आगे माशाल्लाह।
अब आप रोशनी में बड़े क्लियर तरीके से ये देख सकते हैं अलम गाजी अब्बास का, ये भी गाजी अब्बास का अलम है और इसके साथ और भी दीगर अलम मौजूद हैं। और ये बेड़े वाला कश्ती वाला अलम आप देख सकते ये हैं, कश्मीरी काम है और ये कश्मीरी काम है। वाला चनेटी काम है, गुड जबरदस्त, ये मुकम्मल हम खुद तैयार करते हैं अलम पाक पंजे मुबारक। आ रहे थे तो लाइट नहीं थी, जा रहे हैं तो लाइट है। और ये भी खूबसूरत अली असगर का झूला माशाल्लाह, ये कलर नहीं हुआ, ये कलर होने और ये चनियोटी काम में है जी, ये सादे में है। इसके अलावा वो चनियोटी वो छिलाई वाला काम होता है, सही जी, ये सादे में, ये आप खुद ही तैयार करते हैं जी अपने हाथ से? हमारे पास कारीगर है, हमने कारखाना जबरदस्त माशाल्लाह, ज़ियारात हम खुद तैयार करते हैं। कारोबार आपका ठीक है यहाँ पर? मौला का बड़ा करम है, शहनशाहों का सदका है जी। बेहतरीन, जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे जी, शुक्रिया। और ये देखिए जी, शमशीरें भी पड़ी हुई हैं और छोटे छोटे झूले आप देख सकते हैं, कड़े और बेतहाशा अलम पाक है ये जी, पांच तन पाक का, पांच तन पाक के नाम से जुलूस के लिए इन्होंने अलम तैयार किया, अलम के लिए होता है, जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन।